नमस्कार। इस समय पूरा विश्व जो है कोरोना से जूझ रहा है और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा है और लगभग 2 लाख के करीब हमारे यहाँ पे भी जो लोग हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं और कई लोग अभी भी जूझ रहे हैं। ये एक मुश्किल समय है और हम सबको इससे पार जाना है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी अपने कई कर्मठ शिक्षकों को खोया है। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं। हमारे कई जो शिक्षक थे वो इसका शिकार हुए हैं और हमने भी काफ़ी मुश्किलों से जो है गुजरे हैं और हमारे स्कूल भी बंद हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आप सबको ये विनती करता हूँ और ये अपील करता हूँ कि इस स्थिति से उबरने के लिए आप सब अपना पूरा सहयोग करें। सरकार की तरफ से कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कई दफ़ा हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं सरकार को। आप सभी लोगों से विनती है कि उन सभी रेस्ट्रिक्शंस, उन सभी जो नियम और कानून हैं उसका पूरा पालन करें और ख़ासकर हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा कठिन तो ज़रूर है, बट मेरी उनसे भी यही प्रार्थना है, यही विनती है कि वो सब लोग भी इस समय अपने आप को थोड़ा सा इन कानूनों नियमों के दायरे में रखें। हमें से बहुत ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने कई प्रियजनों को खोया है और वाकई बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन फिर भी हमें इससे उबरने के लिए काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। मैं आपसे अपील करूँगा कि आप सभी लोग जितनी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो लें, जैसे कि हाथ धोना, बाहर से आएँ तो हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, ये पार्टियों वगैरह का टाइम नहीं है, थोड़ा सा संयम रखें, ज़्यादा बड़ी गैदरिंग ना करें और इस स्थिति से उबरने के लिए पूरा सहयोग दें। जहाँ तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है, हालांकि हमारे स्कूल बंद हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे शिक्षक जो हैं घरों से ही पूरी मेहनत के साथ, पूरे शिद्दत से क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, जैसे हमारे सरल ऐप है, गूगल मीट है, व्हाट्सएप है और भी कई तरह के जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स हैं उसके थ्रू वो बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे इन सब से जुड़े हुए हैं। और बच्चों से मैं अपील करूंगा कि वो सब एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक नियमानुसार ये क्लासेस अटेंड करें और अपनी पढ़ाई की हानि ना होने दें, तो शायद हम सब इस स्थिति से बहुत जल्दी उबर जाएंगे। अंत में मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में अपना पूरा सहयोग दें ताकि हम सब इकट्ठे मिलके इस मुश्किल समय में, इस मुश्किल स्थिति से बाहर आ जाएं। धन्यवाद।